अपनी सिंपल एंड स्वीट वाली मिसल आ चुकी है। देखो ऐसा मस्त एंट्री बना है इसके बस के बुरुज, और यहाँ से नीचे नज़र आता है एकदम मस्त वाला। वो जो सामने से पानी जो पूरा ब्लैक ब्लैक पानी हो चुका है, ये है बांगड़ा भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह के बज रहे 9, अभी जस्ट अपन रेडी होकर बाहर निकले। तो आज का अपना प्लान है, यहाँ पर रत्नागिरी में एक फेमस मिसल भी है वो भी खाने चलेंगे। अभी तो अपन यहाँ पर रुके थे, अपना फ्रेंड का घर है। और ये अपनी गाड़ी देखिए कितनी मस्त कल रंग में रंग चुकी है आते वक्त। तो इसको पहले थोड़ा सा पानी मार के वॉश करेंगे एंड फिर आज का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते जर्नी, बने रहे वीडियो में, आपको मस्त खाने पीने की प्लेसेस बताता हूँ और यहाँ पर नियर बाय घुमा के भी लाता हूँ। चलो शुरू करते आज की जर्नी। वापस कल की जगह पर आ गए रत्नागिरी चौक में, ये हनुमान मंदिर के यहाँ पे। ये देखो ये रत्नागिरी का प्रॉपर सिटी में पहुँच गए अपन। यहाँ पे राम मंदिर भी है, अच्छा लग रहा है। अभी अपन जा रहे हैं यहाँ पे, एक मिसल का फेमस स्पॉट है वो दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे मिसल खाएंगे फिर उसके बाद आगे का प्लान डिसाइड करेंगे। तो चलो वहाँ पे पहुँच के दिखाता हूँ। तो गाड़ी अपन यहाँ पे पार्क कर दी आगे, ये होटल रसराज करके यहाँ पे एक बहुत फेमस मिसल मिलती है यहाँ पे। तो सिटी से आकर राइट में आना, आपको मस्त मिसल मिलेगी। और ये जो है वो सामने टिहर गली है जहाँ पे लोकमान्य टिहर जी का बर्थ हुआ था। ये अपनी सिंपल एंड स्वीट वाली मिसल आ चुकी है, तो देखते हैं टेस्ट कैसा है, बट मैंने सुना तो ये काफ़ी अच्छी है, ट्राई करते हैं। ये वापस CNG भरने के लिए रुके थे वापस, कल जब अपन आ रहे थे कल के बाद भरा ही नहीं, यहाँ पे घूम रहे थे। अच्छा तो अभी CNG भर रहे हैं, फिर CNG भर के देखते हैं। गणपतिपुळे जाने का प्लान चल रहा है अपना, गणपतिपुळे का मंदिर एक्सप्लोर करने का, बट वो अभी डिसाइड नहीं किया, आपको पता था जैसे कैसे होता है। चलो अभी आगे देखते हैं। तो अभी ऐसा डिसाइड किया कि अपन दोपहर को जाएंगे गणपतिपुळे, बट अभी अपन जा रहे हैं रत्नादुर्ग करके, आ गए बहुत फेमस फोर्ट है, वहाँ से पूरा समंदर का भी सी व्यू दिखता है। तो वो अभी एक्सप्लोर करने चल रहे हैं अपन, बस आपको भी वहाँ से एकदम बेस्ट व्यू दिखाते। अभी फिलहाल वहीं पे है जहाँ पे अपन अभी जा रहे थे। तो ये है मेन रत्नागिरी सिटी, यहाँ पे वो राम मंदिर। अभी यहाँ से थोड़ा नीचे जाके अपने को जाना है राइट। ये रत्नादुर्ग अपन जाते जाते अपने को एक यहाँ पे मांडवा बीच करके आता है, ये देखो वहाँ पे आए थे अपन, आमी रत्नागिरी कर, यहाँ पे गाड़ी लगाई अपन। और यहाँ पे आप रात को घूम सकते हो, पर रात में मस्त लाइटिंग वगैरह लगा रहता है, हम रात को ही आना रहते हैं, बट रात को ज़रा थक गए इसलिए सो गए, अभी आए। दिन में तो इतना खास नहीं लग रहा, बट रात में मज़ा आता है। दिन में भी आ सकते हो, समुद्र में वहाँ देखो आता है, वॉच वॉक कर सकते हो। अब तो होटल भी है 2-3, तो होटल्स में भी जा सकते हो चाहो तो। चलो आगे जाके आपको नज़ारे दिखाते कैसे क्या है, मस्त लग रहा है अभी, ज़्यादा धूप नहीं है, सुबह सुबह आया ज़रा 10:30 बजे। ये तो वैसा इसको वॉकिंग पैच है, वहाँ पे गाड़ी लगानी है नीचे, और यहाँ पे ऐसे मस्त वॉक करते करते जा सकते हो। तो देखो दोस्तों क्या मस्त नज़ारा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से हम आगे जाके आपको नज़ारे दिखाते। तो आप राइट साइड में देखिए क्या मस्त समुंदर पूरा दूर दूर तक दिख रहा है, और सामने वॉच टावर दिख रहा है हमको, और आगे जाके इस पर अपन आपको दिखाते। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मांडवी जेटी, और अभी हम खड़े हैं इसके एज पे, वो देखिए सामने क्या नज़ारा आ रहा है मस्त वाला। और ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो वो भाटे बीच का पूरा सीशोर है, ऐसे दिख नहीं रहा बट आगे देखिए यहाँ पे पूरा भाटे बीच का सीशोर दिखता होगा आपको, जो कि रत्नागिरी का वन ऑफ द फेमस बीच है। और यहाँ पर आके इतना मस्त लग रहा है, पूरी हवा आ रही है, दोपहर के 12 बज रहे फिर भी उतना फील नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फील ही वैसे आ रहा है, वाइब्स एकदम मस्त वाली आ रही है। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर बैठने के लिए, हम भी आए थोड़ी देर बैठ के, अभी चलेंगे आगे। दोस्तों वो पॉइंट से अभी निकल के अपन जा रहे हैं आगे, यहाँ पर रत्नागिरी में काफ़ी एक फेमस फोर्ट है जहाँ से ऊपर से समंदर का व्यू आता है, तो उस फोर्ट पे भी जा रहे हैं। तो जहाँ से हम थे वहाँ से आगे थोड़ा सा आके हमें अभी ये लेफ्ट साइड में सीधा ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है आपको, उस पहाड़ी में ऊपर जाना है। तो चलो ऊपर जाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और आपको ऊपर जाके नज़ारे भी दिखाते हैं। ये देखो अपन ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से मस्त ऐसा नज़र आता है। अभी गाड़ी आगे जाके पार्क करेंगे और फिर देखते हैं ऊपर कहाँ से क्या है, जाके चेक करते हैं। बस फोटो ज़्यादा भीड़ भीड़ नहीं है यहाँ पे,
आज सैटरडे तो अभी कुछ लोग नहीं दिख रहे ज़्यादा। एंट्री गेट यहाँ से ऐसा मस्त अपने फोटो लगाया है शिवाजी महाराज का, और यहाँ से लेफ्ट से जाना है अपने को ऊपर। ये शायद अभी बाद में बनाया होगा, एंट्री तो ऐसा पहले हुआ नहीं जगह। यहाँ पर नीचे गाड़ी पार्किंग है और वो सामने वहाँ से कहीं से अपना है। ये देखो ऐसा मस्त एंट्री बनाया है इसका, गेट भी। तो अंदर आने के लिए ऐसे स्टेयर्स है, और यहाँ पे देखिए फोर्ट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है। और अभी चलते हैं अंदर। अंदर आते से देखिए राइट साइड में ऐसा शेड बनाया है धूप की वजह से, और लेफ्ट साइड में पूरी झाड़ है। तो ये फोर्ट पे काफ़ी मज़ा आएगा आपको, अगर आप आते हो रत्नागिरी तो पक्का यहाँ पे आना। और ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे एक देवी का मंदिर भी है, तो ये काफ़ी लोग मानते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये देखिए भक्त आते रहते हैं। देखो ऐसे प्रॉपर स्टेयर्स है यहाँ पे सामने मंदिर के, और यहाँ से आता है मस्त समुंदर का नज़ारा, दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ऐसा आ रहा है, चलो आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे है बस्किया बुरुज, और यहाँ से नीचे नज़र आता है एकदम मस्त वाला। वो जो सामने दिखता है वो वहाँ से जेटी पॉइंट है, वहाँ पर पूरी फिशिंग कम्युनिटी आके वहाँ पे सुबह सुबह फिश का मार्केट लगता है। अगर आप रत्नागिरी में हो तो यहाँ पे आके सुबह सुबह फिश खरीद सकते हो सस्ते में, और एकदम अच्छी वाली। और यहाँ से ये एकदम मस्त वाला नज़ारा। तो पांडरी वाला आए मस्त वाला फोर्ट पूरा ऐसे आप पूरे राउंड मार के देख सकते हो, आगे से समंदर का व्यू मस्त आता है। तो अभी चलते वापस यहाँ से नीचे, और फिर देखते और कहाँ पे क्या जाते, बने रहिए वीडियो में। चलो नीचे चलते अभी। तो दोस्तों फोर्ट तो देख के अपना हो गया, अभी अपने यहाँ से एकदम मस्त वाली और एकदम इंटरेस्टिंग जगह पे लेके जा रहे हैं आपको, जो आपने शायद इसके पहले कभी देखा होगा किसी वीडियो में, तो चलो वो आपको दिखाता हूँ। राइट साइड कैसे मस्त मैंग्रोव्स है। तो मैं आपको रत्नागिरी के जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो नहीं दिखा रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें दिखा रहा हूँ जो ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किए। तो अभी और एक नए प्लेस पे जा रहे हैं अपने, ऐसे ही मस्त है वो भी, चलो आगे जाके दिखाता हूँ। तो वो फोर्ट से अपन आगे आके एक लेफ्ट लिया था, लेफ्ट लेके फिर वापस राइट में आए, तो चलो जाते आगे पहुँच के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए रास्ता ही कितना मस्त है वापस जाने के लिए, पूरा राइट साइड में आपको नदी आएगा, और ये ऐसे ही अपने को जाने का एक दो किलोमीटर। ये देखिए सीधा जा रहा है अपन, और ऐसे नदी जाता ही जा रहा है। तो ये रास्ते से आने के लिए भी काफ़ी मज़ा आता है, तो आप पक्का यहाँ पे आना। मैं वहाँ पे पहुँच को आपको लोकेशन का नाम और डिटेल बताता हूँ। चलो पहुँच लेते वहाँ पे। बीच में पानी जो पूरा ब्लैक ब्लैक पानी हो चुका है, और साइड में जैसे ब्लू पानी है, और वहाँ पर बीच में एक ये भी है जगह, वो शायद कौन सा बीच है, काड़वा देवी बीच बोलते हैं उसको, वो काड़वा देवी बीच है। अपना लोकल आइट फ्रेंड है यहाँ का, वो अपने को मस्त रत्नागिरी के अनसीन स्पॉट्स घुमा रहा है, मज़ा आ रहा है। देखो क्या पूरा सी साइड से मस्त गाड़ी चला रहा है अपन, रोड भी अच्छा बनाया है पे, और लगभग 2 किलोमीटर हो गए हम ऐसे ही चल रहे साइड बाय साइड। तो आप भी आना कभी, आप आओगे रत्नागिरी तो इसको आना होगा, तो आप मीरिया बंदर बोल के आ सकते हो यहाँ पे, मस्त लोकेशन एकदम। ठंडा बनाए यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करिए, और यहाँ से ये वॉकिंग स्टेज है नीचे मस्त समुंदर तक। और यहाँ पे जो आंटी है वो आपको पूरा चाय नाश्ता चाइनीज जो चाहिए वो बना के दे देंगे, तो बैठ के आप मस्त रिलैक्स कर सकते हो। झाड़ है, झूला भी है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बेंच भी है, मस्त ऐसे बैठ के नज़ारे ले सकते हैं। भाई जैसे मस्त है पे आके बैठे, ये देखिए मेरे सामने क्या मस्त समुंदर लग रहा है, दोपहर के एकदम शांत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और सामने मीरिया बंदर है। तो आपको इस प्लेस पे आना होगा, तो गूगल पे आप मीरिया बंदर डाल दो, आपको यहाँ पे लेके आएगा। ये पीछे मेरे गाड़ी लगी है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे आके नीचे बैठे। वहाँ पे आंटी से हमने चाय वगैरह भी मंगाई है, चाय और कॉफ़ी और थोड़ा स्नैक्स मंगाया, और यहाँ पे मस्त ऐसा व्यू का मज़ा ले रहे, और दोपहर के गर्मी में भी यहाँ पे ठंडा ठंडा मज़ा आ रहा है, समुंदर की एकदम वाइब्स आ रही है शांत शांत वाली। तो यहाँ पे अगर आप रत्नागिरी का भी आओगे तो पक्का आना। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते और फिर चलते आगे।
पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया मस्त वाला। तो अभी आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे एक बहुत फेमस खाना वाला है, टिपिकल फिश चिकन सब कुछ चीज़ें मिलती है वहाँ पे, तो वो दिखाने लेके जाता हूँ। यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करी थी, यहाँ पे मस्त अपन थोड़ी देर बैठे थे, तो अभी जाते हैं मस्त फिश खाने। आपको भी फिश खिलाता हूँ और दिखाता हूँ। नगरी मार्केट में अपन आ गए, यहाँ पे अपन ने गाड़ी लगाई। ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे ऑफिस जैसा है, वहाँ पे गाड़ी लगा के थोड़ा सा आगे आएंगे तो इसी लाइन में ये यहाँ पे है महेश लंच होम, काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा भी है सुना है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं कैसा है खाना, क्या है, करते हैं मस्त लगा के खाना। तो यहाँ पे रेट्स है, आज के रेट्स है, फिश का रेट हमेशा चेंज होता रहता है, डिपेंड्स ऑन फिश का रेट क्या है। तो ठीक है इकोनॉमिकल है और अच्छा भी है, तो चलो ऑर्डर करते हैं। देखो अपना थाली आ चुका है, ये है बांगड़ा थाली और ये है सुरमई थाली मस्त वाला। चलो करते हैं ख़त्म इसको। तो चलो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अगले वीडियो में अपन एकदम मस्त टूर करेंगे गणपतिपुळे की। चलो बाय।